अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर हरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत में रखे, आमीन। आज हम बनाने वाले हैं गुड़ वाले चावल और हम 1 किलो चावल की रेसिपी दे रहे हैं। गुड़ हमने लेना है 1 किलो चावल के लिए, घी लेना है 1 कप। जब हम बनाएंगे रेसिपी तब हमें जितना चाहिए होगा उतना ले लेंगे। कुछ बादाम लिए हैं, ये सौंफ हम तड़के के लिए लेंगे। कुछ थोड़ी सी गरी ली है, किशमिश ली है, ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी डाल सकते हैं और जो मर्जी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, पिस्ता, जो भी आपका दिल चाहे वो डाल सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक देगचा ले लिया है, वो नीचे चूल्हा जला दिया है। इसमें हम पानी डालेंगे। मेरे बासमती वाले चावल हैं, सेला चावल नहीं है और मैंने घंटा डेढ़ पहले भिगो दिए हुए हैं, इसलिए मुझे 1 किलो चावलों के लिए 1.5 किलो पानी चाहिए, क्योंकि जब गुड़ मेल्ट होगा उसका भी फिर बीच में लिक्विड होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चास बनाकर चावल नहीं बना रही हूँ, मैं ऐसे पानी डाल के इसमें इसको गुड़ को डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये इसमें जब मेल्ट हो जाएगा ना, इसको ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, क्योंकि फिर ये चास बन जाएगी, फिर चावल अकड़ जाते हैं। हमने इतना इसको बनाना है कि सिर्फ गुड़ मेल्ट हो जाए, फिर इसको हम छान लेंगे। इसको ढक्कन देंगे, हल्की आंच पर रखेंगे और चम्मच हिला देते हैं। अब गुड़ के मेल्ट होने के बाद मिलते हैं। व्यूवर्स 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं हमारा गुड़ मेल्ट हो गया कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, काफ़ी हद तक हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। ये जो थोड़ा सा रह गया ये भी मेल्ट हो जाएगा, तो फिर इसको हम किसी बर्तन में छान लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। तकरीबन सारा हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है, अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेते हैं। इस बर्तन में हम इसको छान लेते हैं। ये पानी हमने पैन से निकाल लिया है, अब हमने ये फिर से देखचे को वॉश कर लिया, क्योंकि इसके नीचे वो गुड़ थोड़ा बहुत लगा हुआ था, इसको हमने धो लिया। अब इसको खुश्क होने देंगे, फिर इसमें हम घी डालेंगे और उसमें हम सौंफ डालेंगे, उसका तड़का देंगे। सारा पानी तकरीबन खुश्क हो गया, अब हम इसमें घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना हमें चाहिए होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप सा हमने ले लिया, अगर हमें कम लगेगा तो फिर हम डाल लेंगे। ये मैंने देसी घी ली है, आप ऑयल में भी बना सकते हैं, डालडा वाले घी में भी बना सकते हैं, जिसमें चाहे आप मर्जी बना सकते हैं, लेकिन मैं मुझे मीठी चीज़ जो है ना वो देसी घी में अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसमें देसी घी लिया। और इसलिए ये अगर कम भी पड़ेगा तो हम इसको बाद में भी डाल सकते हैं, पके हुए चावलों के ऊपर भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। आँच थोड़ी मीडियम कर लेंगे और इसमें हम ये सौंफ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे, बस इतना सा हम भूनेंगे। देखिए हल्की हल्की सी ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें आराम से पानी डालेंगे क्योंकि ये ऐसे उछलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पानी को छान भी लिया था लेकिन फिर भी ये देखे बीच में मटी मटी है, इसलिए हम इसको ये देखें, इसलिए हम इसको इतना सा बीच में छोड़ देंगे ताकि जो मिट्टी के जर्रात है ना वो बीच में ना आ जाए। अब इसको एक उबाल आता है फिर इसमें हम चावल डाल देंगे। अब ये देखिए पानी उबल रहा है, अब इसमें हम चावल डाल देंगे। ये हमारे 1 किलो चावल है, इनको हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए उसमें भिगो के रखा था पानी में, और पानी मैंने सारा निकाल लिया, अब इसको हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये चावल हमने सारे डाल दिए हैं,
अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। और इसको हम ढक्कन से ढक देंगे। आंच थोड़ी तेजी रखेंगे स्टार्ट में। ये हमारे चावलों में बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसको हम ऐसे आहिस्ता से चम्मच चलाएंगे, इसमें बनाएंगे। अभी ऐसे ही चावल इंशाल्लाह बहुत ही प्यारे बनेंगे। जो मेरी बहनें बनाते हुए उनको दिल घबराता है कि कहीं चीज़ ख़राब ना हो जाए, तो मैं आपको एक टिप देती हूँ, और ये बिल्कुल ठीक टिप है। हमारे कलमे के बारे में है, जो हम तीसरा कलमा है ना, इसमें तो कोई झूठ नहीं, कोई शक वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम है और इसमें बरकत और बरकत ही बरकत है। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल्लल अज़ीम, ये पढ़ते जाया करें और आपकी चीज़ कभी भी ख़राब नहीं बनेगी और उसमें बरकत भी इंशाल्लाह होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको फ़ायदा होगा इससे। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको फिर से ढककर 3-4 मिनट के लिए बनने देंगे। चलें जी, अब चेक कर लेते हैं फिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीच में से मैंने एक दो बार इसको चेक किया था, और जब ये इस स्टेज पर आ जाएं तो फिर हम इसमें गरी और बादाम डाल देंगे। मेवा जब हम दम लगाएंगे ना, उस वक्त डालेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा ही फिर वो फूल जाता है, उसका मज़ा नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादाम और ये गरी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बस दम पे आने वाले हैं, फिर हम इनको दम पे लगा देंगे। बस 2 मिनट और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब ये हमारे दम लगाने वाले हो चुके हैं। इसमें हम ये किशमिश डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी हमारी किशमिश है, देसी हमने बादाम लिए हैं, देसी घी हमने डाला और देसी ही किशमिश है, और चावल भी हमारे देसी हैं, वो सेला वाले नहीं हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी देसी घी से बनाइएगा, देखिए आपका भी घर स्टूडियो महक उठेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको दम लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए इतने में लगाया, जब ज़्यादा ये पक जाएगा तो फिर वो चावल ना अकड़ जाएंगे, वो चौस पक जाएगी, इसलिए हम इतने में ही दम लगाएंगे और हल्की आंच कर देंगे। तो अब मिलते हैं हम 15 मिनट के बाद। ये देखिए जी, हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। चूल्हा हमने कर दिया है बंद। अब हम इसको प्लेट में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और इसको लाइक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। हमारे चैनल पे आपको बहुत सी अच्छी अच्छी और नई नई वीडियोज मिलेंगी, और साथ में इन्फॉर्मेटिव भी, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, जनरल नॉलेज भी दूंगी। अल्लाह हाफिज़।